Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. हसीना है मेरे अलावा शहर में और भी हसीना है? नहीं, तेरा नाम ही हसीना है। ए किसी और का भी होगा। फिर से मजाक मत कर। इसमें मजाक की क्या बात है? शहर में हसीना नाम की और भी लड़कियां हो सकती है ना। लेकिन मुझे तेरे पास भेजा है। किसने? माँ ने। आपकी माँ भी जिंदा है? अरे मेरी नहीं, तेरी माँ ने। मेरी माँ ने? क्यों? तेरी गोद हरी नहीं हो रही है ना। क्यों? आप रंग साजी का काम करते हैं? फिर मजाक। नहीं तो गोद हरी से क्या मुराद है? तुझे भाग नहीं लग रहे क्या? भाग। क्यों भागू भाई? मुझे कहाँ भेज दिया उस औरत ने? बेबी तुझे बच्चा चाहिए ना। आप बच्चे बेचते हैं? बेचता नहीं, देता हूँ। क्या कह रहे हैं आप? बच्चे देते हैं? देने वाले अल्लाह की जात है। फिर आप किस बात का क्रेडिट ले रहे हैं? बात सुन, हम लोग अल्लाह वाले हैं, सिर्फ दुआ करते हैं। दुआ तो सभी लोग करते हैं। लगता है कि मुझे कोई गलत जगह भेज दिया गया है। आपके पास एड्रेस है जहाँ आपको जाना है? यही जाना है मुझे। यहाँ तो आप आ गए। नादान औरत, फिर समझ हम यहाँ क्यों आए हैं। पीर आप है या मैं? और जरूरतमंद तो आप है ना? हमें अंदर नहीं आने देगी। ए, ए, ए। नहीं, मेरा मियाँ है अंदर। तो क्या उसे अच्छा नहीं लगता कि कोई अंदर आए? ए, 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 ए। नहीं, वो पीरों फकीरों से दूर रहते हैं। क्यों? उनका कहना है कि ये सब ढोंग है। उसे समझा, हर पीर ढोंग नहीं होता। बहुत समझदार है, नहीं मानते बिल्कुल भी। तेरी मियाँ को गायब कर दूं तो फिर मानेगी? मेरे मियाँ को गायब? इन्हीं ड्रामों की वजह से वो पीरों पे यकीन नहीं रखता। हमारी करामात को ड्रामा कह रही है तू? क्यों बेवकूफ बना रहे हैं? कभी इंसान भी गायब हुए? सुन, तेरा मियाँ कहाँ है? अंदर है, अभी उनके पास से आ रही। तो फिर जा, तेरा मियाँ गायब हो गया है। क्या? अब ढूंढ मुझे, ना मैं मिलूंगा ना तेरा मियाँ। बाबा बाबा, अरे बाबा बात तो सुनो। मुईन 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 मुईन, कहाँ चले गए मुईन? अरे सारा घर ढूंढ लिया, कहीं भी, कहीं सचमुच में तो गायब नहीं हो गए? अब क्या करूं? अम्मी को फोन करती हूँ। हेलो अम्मी, अम्मी जी, आपने किसी बाबा को घर भेजा था? क्यों? अरे उन्होंने मेरे मुईन को गायब कर दिया, पूरे घर में नहीं है। आप आ जाए, आप आ जाए, मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। ओके बाय बाय। मेरे मुईन 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 मुईन, अरे मुईन कहाँ चले गए आप? मुईन नहीं है। मुईन 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 मुईन, किसी के पास नहीं है क्या? मुईन का मुईन, इतने लोगों ने मशवरा दिया कि अखबार में इश्तिहार दे दो। क्या पीर ने मियां गायब कर दिया? नहीं, कि किसी को मिले तो फौरन इतला दे। सारे दोस्तों को फोन करके देख लिया। किन्ने दोस्त ने तेरे? मुईन के दोस्तों को। फिर? किसी के पास नहीं है क्या? मुईन का मुईन, इतने लोगों ने मशवरा दिया कि अखबार में इश्तिहार दे दो। क्या पीर ने मियां गायब कर दिया? नहीं, कि किसी को मिले तो फौरन इतला दे। पीर? पीर नहीं, मुईन अम्मी। तो फिर दो ना अखबार में इश्तिहार। सोचती हूँ कि लोग मजाक उड़ाएंगे। मुईन का मेरा? क्यों? सब कहेंगे कि ऐसा भी होता है। कौन? मियां गायब। कह दे मेरे नाल बहुत जुल्म होया। अब मुईन आएंगे कहाँ से? जाहिर दरवाजे से आएगा और छत फाड़ के आएगा। जाहिर होंगे तो आएंगे ना। ये पीर ना बहुत करामत वाला है, वो किसी को गायब भी कर सकता है। ये मानने वाली बात नहीं है। मैं झूठ बोल रही हूँ? पूरा बंदा गायब करना कोई आसान काम नहीं है। उसने कहा और मुईन गायब? अच्छा अच्छा, मैं बात करती हूँ मुईन से। पीर से? पागल, फोन मिला। पीर को? मुईन को। मुईन को? अच्छा एक बात में यकीन कर लो, वो वाकई गायब हो गया। मैं छोड़ रही हूँ। नहीं तो छेड़ेंगी क्यों? सिर्फ गायब ही होया है ना, तो फोन मिला। अम्मी जी, सिर्फ मुईन गायब हुआ है, मोबाइल तो उसका यहीं पड़ा है। अच्छा, कितना लापरवाह है। किस तरह लापरवाही नाल गायब हो गया? कम से कम फोन तो नाल लेके जाना। अम्मी जी, आप मुझे पागल कर देंगी। पीर को फोन मिला, चल। आज नहीं मिलाऊं? क्या मतलब है तेरा? आज तो इतवार है ना अम्मी। अरे हाय, इतवार वाले पीर को नहीं, सोमवार वाले पीर को मिला। पर मेरे पास उसका नंबर नहीं है। लावन मन थोड़ा इधर दे।
हेलो, सलाम अलैकुम मैं पीर साहब, क्या हाल है? आप बच्ची की बात का बुरा मान गए हैं? देखिए जी, वो तो नदान है, बेवकूफ है, आप उसका मियाँ हाजिर कर दें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। देखें उसका ना बेचारी का सिर्फ एक ही तो मियाँ है। शुक्रिया जी, मेहरबानी, सलाम अलैकुम। तो क्या कहा, आएगा? यह तो रहा है कि आना पियावा। अम्मी मेरे मुई। आए मेरी बच्ची, सबर कर ले, हौसला कर, गायब चीज़ ना इस तरह दुख नहीं करीदा। मैं देखती हूँ। यानी कि मुद्दा ही गायब? मुद्दा नहीं मियाँ, यानी कि मुद्दा ही गायब हुआ ना। देखो बिल्लू प्लीज, बात को इस वक्त घुमाओ नहीं, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। जब से आपने मोइन भाई से शादी की है ना, आप परेशान ही रही हैं। आपको चाहिए कि जिंदगी में कोई मेजर चेंज लेके आए। मसलन आप घर बदल के देखें। घर बदल के कैसे देखूं? नहीं मेरा मतलब है किसी और के घर जाके देखिए। किसके घर जाके देखूं? किसी भी, चाहे किसी गरीब का ही क्यों ना हो। तो तुम ये चेंज कह रहे हो? तो और नहीं तो क्या, हो सकता है इससे आपकी और मेरी परेशानी दूर हो जाए। देखो बिल्लू, मोइन गायब है और तुम इस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हो। वैसे मोइन भाई गायब हैं किधर? ये तो पीर ही बता सकता है ना। आप क्या पीर मंगल कर रही हैं? चाहे मोइन भाई दूसरी शादी करके बैठ गए और हंस रहे हो कि कैसा बेवकूफ बनाया। अगर ऐसा हुआ ना तो मैं गोली मार दूंगी मोइन भाई को। तुम्हें कोई अच्छी बात नहीं कर सकते? अच्छा तो फिर ये ले। ये क्या है? ये एक वजीफा है, इसको अगर आप दरवाजे की तरफ मुंह करके पढ़ती रहेंगी ना तो इंशाल्लाह आफाका होगा। फिर किसी एक दिन मोइन भाई दरवाजे चलते हुए अंदर आ जाएंगे। वाकई ऐसे करामात हैं इसमें? और ये भी ले। ये क्या है? कोयले। कोयले? हाँ, इनकी धूनी ले, धूनी। लेकिन इससे तो रंग काला हो जाएगा। लेकिन कोयले तो सफेद हो जाएंगे ना। वो कैसे? पक पक के। उससे क्या होगा? जैसे जैसे कोयले दहकेंगे मोइन भाई करीब आएंगे। पता नहीं मेरे मोइन क्या कर रहे होंगे। शुक्र ही कर रहे होंगे, और क्या कर रहे होंगे। क्यों? यहाँ पूरे शहर से पंगा लेके तंग आ गए होंगे। अच्छी भली जिंदगी चल रही थी। असल में क्या है, जालिम समाज जो है ना, वो दो प्यार करने वालों को देख नहीं सकता। इतने मस्के ना लगाओ, तुम भी जमाने में शामिल हो। अरे कैसी बातें कर रही हैं? पल भर में पढ़ाया कर दिया। अरे मैं तो आपके गम में बराबर का शरीक हूँ, और देखे मैं तो अफसोस करने भी आया हूँ। अफसोस किस बात का? अरे सिर्फ गायब हुए हैं, कोई फौत थोड़ी हो गए। खुदा ना खासा, फौत होने वाले भी तो गायब हो जाते हैं। दफा हो जाओ यहाँ से और ले जाओ ये कोयले भी, और जाके अपना मुंह काला करो इन कोयलों से। क्या कह रही हैं हसीना जी, मैं तो ये सब हमदर्दी करने के लिए लेके आया था। अरे जाओ जाओ, नहीं चाहिए तुम्हारी हमदर्दी। अरे हसीना जी, खैर फिर भी मेरी दुआ है कि मोइन भाई जल्दी हाजिर हो। इनका क्या करूं, चिकन सस्ती है, टिक्के बना लेता हूं। पीर साहब, मेरी बेटी हसीना नादान है, देखो उन्हें माफ कर दो। वो नहीं, हम नादान है जो मुंह उठा के अंदर आ गए। पीर जी तुसी बिल्कुल ठीक आए हो, देखो ना इस कारण तुम्हारी दुआ की बड़ी जरूरत है। लेकिन तुम्हारी बेटी ये नहीं समझती। पीर जी अब तो बड़ी परेशान है, निढाल है, उसका मियाँ किसी तरह हाजिर कर दे बस। क्या? मेरा मतलब है बहाल कर दे। वो कोई जिन भूत है जिसे हाजिर करूं? गायब किया आपने तो अब हाजिर भी करे ना। अब कुछ वक्त लगेगा। कितना? बस कुछ वक्त। कमाल है पीर जी, गायब तो तुसी तिना मिनटा चीता सी है, हाजिर करने से टाइम ले रहे हो। वो गायब नहीं, शिफ्ट किया गया है। शिफ्ट? शिफ्ट? उसे सिर्फ कुछ देर के लिए भेजा गया था। उसको वापस बुला ले, उसके यहाँ पर सख्त जरूरत है। यहाँ उसने क्या करना है सिवाय बीवी के झाड़ खाने के? रहने दे उसे कुछ देर सुकून से। पीर जी बहुत मोहब्बत करती है मेरी बेटी। मुझसे? अपने मियाँ से। भाई तेरी बेटी की आई साइट तो ठीक है ना? वो क्या होती है, नजर ठीक है ना? हाँ जी बिल्कुल। फिर ये किस से मोहब्बत करती है? पीर जी मोहब्बत दी शादी है, उस पर तो मोहब्बत की पाबंदी लग जाना चाहिए। बस दोनों का इश्क था बहुत ज्यादा। एक तरफ तो इश्क था, दूसरी तरफ तो सिर्फ बेवकूफी थी। मेरा दामाद बेवकूफ नहीं है। मैं सिर्फ तुम्हारी बेटी की बात कर रहा हूँ। उन बात करने का की फायदा, उदी ते शादी हो गई। मैं ये कह रहा हूँ कि ये क्या बेवकूफी की, गायब होकर? पीर जी उसे तो आपने गायब किया है। मैं सिर्फ तुम्हारी बेटी की बात कर रहा हूँ, बेटी की। वो तो गायब नहीं हुई, शादी से पहले उसने एक दो बार कोशिश की थी, पर हमने उसकी शादी कर दी। तुम मेरी बात समझना नहीं चाहती या मैं खुद पागल हूँ? हम ऐसा कह सकते हैं पीर जी कि आप पागल हैं। बस आप ये बता दें कि कब हाजिर करेंगे उसके मियाँ को। कर देंगे, फिकर न कर। फिकर तो है पीर जी, उसकी नौकरी का मसला है। तुझे उसकी नौकरी की फिक्र है या बेटी की? दोनों की। तो फिर ठीक है, कुछ करते हैं। अल्लाह की खैर करे पीर जी, बस कुछ कर दे। कोई टाइम शेड्यूल दे नहीं सकता। जल्दी कर दे पीर जी, वरना मेरी बेटी भी गायब हो जाएगी। किसके साथ? किसी के साथ नहीं, कब्र में। ओए इतना प्यार करती है मियाँ से? जी। और जो कुछ करना है जल्दी करो, हमारे लिए लंगर पानी का इंतजाम करो। जी जो हुक्म, जो हुक्म। मैं अभी आई जी, अभी आई।
हाय हसीना, बड़ी मुश्किलां दे नाल मैं पीर नूं मनाया। क्यों नाराज़ था आपसे? नहीं भाई, मोइन नूं हाजिर करन वास्ते। शुक्र है, वैसे मोइन के बगैर कितना सूना था ना घर। मोइन को ऐसे टोल बजांदा सी। हैं अम्मी जी, घर तो शोहर से ही होता है ना। माँ का तू अब शोहर के फायदे ना बता, और याद रख फिर से बदतमीजी ना करी। पहले कम किए बैठे बैठे मियाँ को गायब करवा के बैठ गई, अब खड़े खड़े तू खुद भी गायब हो जाएगी। अब करना क्या है, क्या कोई बड़ी सी चादर बिछानी है? क्यों, तो किसमें हाजिर होंगे मोइन? नीओ है गए कि ना है, इतना जनाते है गए, माचिस के पीछे पूरा आ जाएगा। अम्मी आप उनकी बेइज्जती करिए, आप क्यों जैसे वो गायब हुए? वो तो पहले भी मेरे आने पर गायब हो जाता था, ऐसे मेरी शक्ल नजर आई ते उधर हो गायब। अम्मी दमाद है वो आपका। पीर जी आने वाले ने क्या करूँ, तो पर्दा कर लूँ? जरा अदब नाल खलो ना। अस्सलाम वालेकुम पीर जी। वालेकुम अस्सलाम। जी जी सलाम कर लो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पीर जी इसके मियाँ को हाजिर कर दे। हैं करते हैं, लेकिन मेरी एक बात तुम दोनों गौर से सुन लो। तुम्हारे मियाँ को थोड़ी देर के लिए गायब किया था, हो सकता है कुछ डैमेज हो। क्या मतलब है, खराशें आई होंगी या थोड़ी बहुत साइडें लगी होंगी? कुछ भी हो सकता है, इसलिए तुम्हें जैसा भी है जिस हाल में भी है तुम्हें कबूल करना पड़ेगा। कर लेंगे पीर जी, चारा क्या रह गया हमारे पास। ठीक है, तुम्हें तैयार हो जाओ, हाजिर हो। मरे तिर्री मरा रा रा रा, मरे तिर्री मरा दुर्रा रा, मरे रिर रा रा, मरा रा रा रा, मरे तिर्री तिर्री तरा रा रा। ये लो तुम्हारा मियाँ। हैं? अब ये तो मेरा मियाँ नहीं है। क्या कह रही हैं आप, यही मियाँ है आपका? पूछे इससे। सीना जी मैं ही आपका मियाँ हूँ। नहीं नहीं, ये कोई रास्ते में गड़बड़ हुई है, पीर जी प्लीज फिर से चेक करें। हसीना जी कोई गड़बड़ नहीं हुई, मैं ही हूँ मोइन। पीर जी मेरा मियाँ हाजिर करें। मैं कर तो दिया है, वो खुद कह रहा है। लेकिन इसकी शक्ल वो नहीं है। बाकी तो वही हूँ ना। ये मोइन नहीं है, ये आपकी बेटी है, इसे समझाए वरना फिर इसे मैं गायब कर दूंगा। हाय हाय ऐसा ना कीजिए, मैं समझाती हूँ उसको, समझाती हूँ। सीना तुझे कबूल कर ले वरना इससे भी जाती रहेगी। कैसे कबूल कर लूँ जब ये मोइन है ही नहीं? तो अबे यार मैं ही हूँ मोइन। नहीं है ये मोइन, मुझे मेरा मोइन चाहिए। मैंने आपसे कहा था ना थोड़ा बहुत डैमेज होगा, हो गया। थोड़ा बहुत, ये तो सारे ही डैमेज माल है। पीर जी मोइन नहीं है, मेरे पास तो यही था। अरे यार ये हसीना जी को मैं कैसे यकीन दिलाऊं, बड़ा खर्क हो इस पीर के बच्चे का। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अपने घर में क्या करता है आदमी? अपने घर में? हसीना जी मैं मानता हूँ कि मेरी शक्ल बदल गई है, मैं मोइन ही हूँ। मोइन? और तुम? नहीं बिल्कुल नहीं। इस घर में हमारी बड़ी यादें वाबस्ता है हसीना जी। खबरदार खबरदार जो कोई उल्टी सीधी बात। उल्टी सीधी नहीं, अपनी बात कर रहा हूँ। नहीं सुननी मुझे तुम्हारी कोई भी बात। हसीना जी दूर दूर रहो मुझसे। मैं आपका शोहर? नहीं बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं, मेरा शोहर ये है ये, मेरे करीब तुम बिल्कुल भी मत आना। तो फिर कहाँ जाऊँ? जहाँ दिल चाहे चले जाओ, बेशक तुम फिर से गायब हो जाओ। हसीना जी मेरी बात तो सुने। दूर रहो, मुझे कुछ नहीं सुनना। हसीना जी आपको याद है हमने इस घर में जीने मरने की कसमें खाई थी? मुझे नहीं याद, तुम अकेले ही मर जाओ, मैं अकेले ही जी लूंगी। अरे याद करो, एक दफा नुक्कड़ से चूहा निकल के आया था और आप सोफे पे चढ़ गई थी, याद करो। हाँ ऐसा तो हुआ था, लेकिन ऐसा तो अक्सर औरतों के साथ हो सकता है, ये तो मिसाल कोई भी दे सकता है। मैंने चूहे की मिसाल दी आपको, छिपकली की नहीं दी। सोचे सोचे सोचे। मुझे नहीं पता क्यों थी, लेकिन इस वक्त तुम मेरे घर से चले जाओ। ऐसा ना करें सीना जी, ऐसा ना करें, मेरे पास सिर्फ खुदकुशी का ऑप्शन रह जाएगा। मुझे नहीं पता तुम कौन हो, पीर ने तुमको यहाँ पर क्यों हाजिर किया ये भी नहीं पता, लेकिन तुम मेरे मुइन नहीं हो सकते। मैं आपको हसीना के अलावा कुछ नहीं समझता। मैं अपने मोइन की हसीना हूँ। तो वो मैं ही तो हूँ। तुम जाओ यहाँ से। हैं हैं? क्यों जाऊँ मैं? मेरा तो निकाह हुआ आपसे। तुम आप जोर जबरदस्ती पर उतर आए हो। मैंने जिंदगी में आपसे कभी जबरदस्ती नहीं की। तुम्हें तो मैंने देखा ही पहली बार है। इस शक्ल में आपने मुझे पहली दफा देखा है, लेकिन हम काफी सालों से इकट्ठे हैं। मुझे ना तुम्हारी और पीर की नियत ठीक नहीं लगती, पता नहीं क्या करना चाहते हो तुम लोग। आप मुझसे डर रही है, यानी अपने मियाँ से डर रही है? मैं कहाँ फंस गई, मेरे भाई चले जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें नहीं जानती। भाई? क्यों अपने और मेरे निकाह के पीछे पड़ गई हो? कौन से निकाह? अरे वही जो हमारा हुआ था, भाई क्या क्यों तोड़ना चाह रही है? तुम जाते हो मेरे घर से या मैं शोर मचाऊं? अरे शोर किस बात का, मैं कोई गैर मर रहा हूँ तो और क्या हो? हसीना जी देख बचाओ, बचाओ। अरे हसीना जी बात तो सुने आप, ये क्या हो जाता है यार इसको? बचाओ। अरे हसीना जी सुने तो, अरे हसीना जी हुआ क्या? क्या हो गया? सत्यानाश। किसका? तुम्हारा। मेरा? बेईमान धोखेबाज, गायब कुछ करते और हाजिर कुछ। ये वही है जो गायब किया था। कहाँ से है वो? जहाँ से चाहो देख लो, ये वही है। ए ए। अरे शक्ल से तो वो नहीं है ना? हाँ बस जरा 19-20 का फर्क है। 19-20? ये तो 8-12 से भी ज्यादा का है। अरे भाई जब वो कह रहा है कि वो तुम्हारा मियाँ है
तो उसे मान लो। कैसे मान लो जब ये वो नहीं है तो? वही है। अरे शकल शकल शकल। शकल का क्या है, इसको तो प्लास्टिक सर्जरी भी हो जाती है। प्लास्टिक सर्जरी क्यों? मुझे मेरा मियाँ क्यों नहीं देते? तुम्हारा ही है, बता भाई तू किसका मियाँ है? इनका। चुप रहो। भाई ये कोई तरीका नहीं है शौहर से बात करने का। फिर जी ने समझाए कुछ? शौहर जो है वो मजाजी खुदा होता है। लेकिन ये मेरा शौहर नहीं है। अगर तुम इंसानों को उनकी असली हालत में वापस नहीं लाते तो गायब क्यों करते हो? जो गुस्ताखी करेगा उसे सख्त सजा मिलेगी। और जब बंदा बदल दे वो? बंदा तो नहीं बदला ना। बदला है, बिल्कुल बदला है। मुझे हूबहू मेरे मुइन चाहिए। थोड़ा सा सब्र कर लो, दो तीन साल के बाद हूबहू वैसा ही हो जाएगा। दो तीन साल बाद? और अगर उसके बाद भी नहीं हुआ तो? फिर तो दोबारा से गायब करना पड़ेगा। इससे पहले मैं तुम्हें गायब कर दूंगी। हद्दे अदब गुस्ताख लड़की। इससे पहले मैं पुलिस बुलाओ, मेरा मियाँ ठीक कर दो। तुम्हारा मियाँ ठीक नहीं, मैं इसे समझाता हूँ। समझाने वाली नहीं। ये तस्वीर देख रहे हो? ये तो बहुत खूबसूरत मर्द है, लजीज भी है। ये है मेरा शौहर। ये भी है। सिर्फ यही है। तुम ये हो? हाँ जी मैं ही हूँ, बस चेहरा नहीं है। चेहरा नहीं, तुम मेरे मियाँ कैसे हो सकते हो? ओ भाई ये जुल्म क्यों कर रहे हो हम दोनों पर? दोनों पर नहीं, सिर्फ मुझ पर। तुम अपनी बीवी के पास जाओ। मैं तो इसी के पास तो आया हूँ। मान लो कि यही तुम्हारा मियाँ है। अरे हसीना, मैं मुइन हूँ। मुइन? अच्छा आपका नाम भी मुइन है? नाम नहीं बे, मुइन हूँ। अरे जब नाम नहीं है तो मुइन कैसे हो गए? तू भी मुइन को नहीं पहचानता? हसीना मुइन की कहानी, हसीना मुइन की कहानी। आज बता ही दो मुइन का। सामने खड़े हो और कहाँ हो? तेरी हड्डियों को तो मैं सुरमा बना दूंगा, सब तेरी कारस्तानियाँ है बुड्ढे। एक तो तुझे हाजिर किया, ऊपर से तू बदमाशी दिखा रहा है। अब तू मुझे हाजिर कर, किसे हाजिर कर दिया तूने? तुझे ही किया है और किसको किया है? मेरे मुँह के साथ कर। हाँ हाँ वीर जी, ये मेरे दामाद का मुँह नहीं है। तू चुप कर भप्पे कुटरी, मुँह संभाल के बात कर। तू भी चुप कर, ये सब तेरा किया था, तेरा सर मार दूंगा मैं। मैंने क्या किया? इसको तो तूने ही भेजा था ना। मैंने तो औलाद के लिए भेजा था। ले फिर एक और मुइन पैदा हो गया, मुबारकबाद दे बेटी को। देखो बड़ों से बात करने की कोई तमीज भी होती है। तेरे बेड़े की तो। देखो मुझसे दूर रहो वरना फिर गायब कर दूंगा। इससे पहले कि मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूं, तूने मेरी तस्वीर देखी है ना? अरे भाई जब तुम्हें देख रहा हूँ तो तस्वीर देखने की क्या जरूरत है? अबे मेरी पहले वाली तस्वीर। पहले वाली? हाँ हाँ मुइन की तस्वीर। अभी तो कह रहे थे मेरी तस्वीर और अब कह रहे हो मुइन की। तो मैं ही मुइन हूँ ना यार। तुम्हारी तस्वीर घर में कहाँ है जो देखूं? वो जो तुझे हसीना ने दिखाई थी वो तुम्हारी तस्वीर है? नहीं कभी थी। क्या पागल कर रहे हो मुझे? बाबा जी आप इसको गायब करके असली वाले मोइन को हाजिर क्यों नहीं करते? तो मैं नकल वाला हूँ? और तू पूरा मोइन तो नहीं है ना? तो क्या मेरी आधी टांगे नहीं है क्या? नहीं तेरा पूरा मुंह नहीं है, इसीलिए तुम दोनों को मैं लाठी की नोक पे लाया हूँ। तुम दोनों यहाँ से हिलोगे नहीं जब तक मेरा मुंह नहीं लग जाता। तो अभी क्या उनके बगैर हो? मेरा मुंह लगा। ये क्या तुम्हारे मुंह पे जो मुंह लगा हुआ है ये हमसाए का है? अबे मोइन का मुंह लगा। किसी का मुंह मैं तुम्हारे मुंह पे कैसे लगाऊं भाई? वही तो मेरा मुंह है। मेरे मुंह का? नहीं, इसके मुंह का कुछ करें। चुप करे मकार बुढ़िया। और फराड़िए पीर, तुझे तो मैंने छोड़ना नहीं है। कुछ करे रे, क्या कर दिया मेरे साथ यार? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी अम्मी से बदतमीजी करने की? अरे ये सब उन्हीं का किया था रहा है। शट अप, मेरी अम्मी के मुतालिक ना तमीज से बात करो। अरे तमीज से कैसे बात करूं, पूरे घर में तूफान मचा दिया उन्होंने। ये तो पीर की वजह से है। तुम्हारी वालदा ने पीर को भेजा था ना, इसका मतलब तुम्हारी वालदा ने मुझे कबूल नहीं किया। तुम कौन हो? अरे मैं मुइन हूँ यार। बस बहुत हो गया ये ड्रामा, अब मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा। अपने मियाँ के ऊपर पुलिस बुलाओगी? कौन सा मियाँ? या खुदा मैं क्या करूँ? देखिए हसीना जी, अगर इन दोनों में से कोई एक बंदा मेरे हाथों से कत्ल हो गया ना तो आपने गिला नहीं करना। अगर मेरी अम्मी की तरफ तुमने हाथ भी बढ़ाया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो इनसे कहें आप मुझे मुइन बनाएं। क्यों, तुम्हें क्यों मुइन बनाए? जो मुइन है वही रहेंगे। यही तो मैं कह रहा हूँ। तुम तो अपने आप को मुइन बनाने का कह रहे हो। मैं ही मुइन हूँ। अगर तुम मुइन हो तो तुम्हें मुइन क्यों बनना है? सीना जी बस मैं खुदकुशी कर लूंगा। तो कर लो मेरी बला से। आपको फिक्र ही नहीं है कि आप बेवा हो जाएंगी? अल्लाह ना करे। तुम मुझे खुदकुशी से रोकती क्यों नहीं? क्यों रोकूं मैं तुम्हें, तुमसे मेरा रिश्ता क्या है? पीर तेरा बेड़ा गर्क हो। इस पीर को दो तीन गालियां और दो, इसने मेरा मियां गायब कर दिया है। ये मैं सामने खड़ा हूं। बेहतर है तुम यहां से दबा हो जाओ। हसीना जी जरा ठंडे दिमाग से सोचें,
क्या मैं आपको मुइन नहीं लगता? नहीं। अरे याद करें, हम सायों में गाड़ी चोरी हो गई थी, इल्जाम किस पे लगा? हम पे। हाँ लगा था। और हाँ याद करें, आपकी सालगिरह पे मैं नकली रूठी लेके आया था, याद करें? याद है, छबीरा डाकू आ गया था घर में, वो याद है? हाँ। हू बहू मेरी तरह। हाँ? और हाँ आपने क्रीम को इस्तेमाल कर ली थी और आपके चेहरे पे दाढ़ी आ गई थी। क्या याद करा दिया, हाँ ऐसा तो हुआ था। मैंने सब ठीक बताया ना आपको? हाँ। अब तो मान ही ले कि मैं मुइन हूँ। बताया बिल्कुल ठीक है, लेकिन तुम मुइन नहीं हो। या अल्लाह मैं कैसे यकीन दिलाऊं आप? जब मुइन आ जाएंगे तो मुझे खुद यकीन आ जाएगा। अबे क्या हो गया यार, हसीना जी बात तो सुने, क्या हो गया यार, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा यार। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। ओ पीर जी करते जाओ, पीर जी गाते सुनो, कितने चल रहे हो तुसी? हमें अपनी हड्डियाँ नहीं तोड़वानी। ए, 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 ए। पीर जी कुछ नहीं होंदा। अगर ये डंडा वाकई में बरस पड़ा तो मैं हेगी आना पीर जी है? तुम खुद महफूज नहीं हो। आहो, वो तो मेरे पीछे भी पे गया सी। इसीलिए रुकने को कह रही हो। लेकिन पीर जी बस बस, इससे ज्यादा बेइज्जती मेरी कहीं नहीं हुई है। इज्जत बेइज्जती तो ओदे हाथे चाहिए है। लेकिन लाठी जो तुम्हारे दामाद के हाथ में है ना, उसे गायब करे या हाजिर, हमें क्या फर्क पड़ता है? पड़ता है, अभी तो नाम कुछ और है, फिर तो सिरे से होगा ही नहीं। लेकिन ओदा होना साढ़े किस काम का? इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता, लिहाजा मुझे जाने दो। मेरा मियाँ असली हालत में लाए बगैर आप कैसे जा सकते हैं? मैंने एक इंसान को गायब किया और एक इंसान हाजिर कर दिया। लेकिन मुझे मेरा शौहर चाहिए। इंसान नहीं, वो इंसान ही था ना जो हाजिर हुआ, इंसान नहीं है। है लेकिन मेरा शौहर तो नहीं है भाई। अब ये करामती काम है, इसमें ऊंच नीच हो जाती है। तो आप दुरुस्त करामात करें ना। करामात दुरुस्त है, यही तुम्हारा मियाँ है। ए, 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 ए। वैसे वो गुजरी हुई बातें तो बिल्कुल ठीक बताता है। हाँ, हाँ। फिर भी तुम्हें यकीन नहीं? जिस तरह से उसने मेरी बेइज्जती की थी ना, ये मोई नहीं है। अम्मा वो आपकी इज्जत भी तो करता है ना। अगर वो मेरी इज्जत करता तो मैं कभी ना मानती कि ये मोइन है। अम्मी मैं परेशान हूँ कि वो किसी और की शक्ल में क्यों आया है। वो तेरे प्यार को आजमाना चाहता है। ए। लेकिन मेरी आजमाइश वो क्यों करेगा? तुम्हारी नहीं, तुम्हारे मोहब्बत की। लेकिन मैं मोइन के अलावा किसी से मोहब्बत नहीं कर सकती। अरे इसी का तो यकीन चाहता है। ये यकीन दिलाने के लिए मैं किसी और से मोहब्बत करना शुरू कर दूं? हसीना अगर पीर साहब कह रहे हैं कि ये मोइन है तो चलो मान लेते हैं कि यही मोइन है। मैं कैसे मान लूं? भाई अभी तो तुम कह रही थी कि वो गुजरी हुई बातें ठीक बता रहा था। हाँ वो तो है। हाँ अगर वो मोइन ना होता तो तुझे कैसे बताता गुजरी हुई बातें? हैं बिल्कुल ठीक कह रही है, कुछ बातें तो ऐसी थी जो मेरे और मोइन के अलावा किसी को पता भी नहीं है। इसीलिए तो कह रही हूँ कि अगर वो कहीं चला गया तो फिर इससे भी जाओगी। क्या मतलब है मैं इससे भी जाऊंगी? ओ ठीक है पुत्र, अगर तुझे यकीन नहीं है ना तो एक बार दोबारा उसका इम्तिहान ले ले। हाँ अच्छा, तो फिर ठीक है चले फिर मेरे साथ। हाँ चल आ जाओ। हाय हाय इसे क्या हुआ है? क्या हुआ पीर जी? कहीं इसने खुदकशी तो नहीं कर ली? हम सब मरेंगे। जाहिर है एक दिन तो सबको मरना है। मैं कह रही हूँ अगर इसने वाकई खुदकशी की है तो अच्छी तरह देख तो ले। मुइन पहुँच करो। पीर जी जरा इसकी नफ्स तो देखे, चल भी रही है कि नहीं? चल रही होती तो बाजू से बाहर निकल जा चुकी होती। मेरा मतलब है चेक करें कि जिंदा भी है कि नहीं। है, नफ्स तो रुकी हुई है। क्या मुइन? नहीं मेरे मुइन को कुछ नहीं हो सकता। अम्मी शुक्र है तूने इसको मुइन तो माना। और इसी सदमे की वजह से ये मरा। सदमे से नहीं, तुमने मारा है और मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मैंने तो जाहिर कर दिया था, आप लोगों ने बेरुखी दिखा दी उसके साथ। तुमने ठीक तरह से जाहिर नहीं किया। ठीक ठाक चल फिर रहा था। लेकिन मुइन तो नहीं था ना। तो फिर रो क्यों रही हो? इसलिए कि मेरा तो एक ही सावन था। हम तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। बस अम्मी अभी पुलिस को बुलाए। बुलाओ, जरूर बुलाओ। मैं कह दूंगा कि तुम दोनों ने इसको जहर दिया है। हम क्यों जहर देंगे ऐसे भला? इसलिए कि ये मुइन नहीं है। देखा देखा, अब तुम खुद मान रहे हो कि ये मुइन नहीं है। ये तो आप कह रही थी। बहस छोड़ो, अब ये सोचो कि अब क्या करेंगे। जो भी करना है करें, मैं जा रहा हूँ। अरे कहाँ जा रहे हो? अब तुम यहाँ से नहीं जा सकते। क्यों? मुझे मेरा खावन चाहिए। तो ये पड़ा है ना? नहीं ये वाला, मुझे जिंदा चाहिए। अब तो ये अल्लाह के हाथ में है। सारे फसाद की जड़ तुम ही हो पीर साहब। तुम जिंदा हो? मैं गायब कर दो। हाय शुक्र है बेटा कि तुम जिंदा हो, हम तो समझे थे कि तुमने खुदकशी कर ली है। भाई इरादा तो यही था, लेकिन अब हसीना जी ने मान ही लिया है तो खुदकुशी का इरादा कैंसिल। तो फिर मैं अब जाऊं? नहीं नहीं, इसकी शक्ल ठीक करें। हाँ। मैं ब्यूटीशियन हूँ। अरे हसीना जी भूल जाइए मेरी पुरानी शक्ल को। नहीं कभी नहीं भूल सकती मुइन, लेकिन प्लीज आप अपनी असली हालत में आ जाए ना। आरजीए तुम तो टेढ़ी की टेढ़ी। मुझे मेरा मुइन चाहिए बस। अबे पीर के बच्चे में तुझे आग लगा दूंगा। मुझे मेरा पहले वाला मुइन चाहिए। हसीना मेरी बच्ची मेरी थी। वही टेस्ट है ना? टेस्ट तो बिल्कुल वही है।
तो साबित हुआ कि मैं मुइन हूँ। नहीं नहीं, तो मुइन हो लेकिन वो नहीं। ये क्या बात हुई? अगर मैं मुइन हूँ तो मुझे कबूल करे? तो मुइन हो लेकिन कबूल वाले नहीं। तो ऐसा अछूतों वाला सुलूक कब तक चलेगा मेरे साथ? मुइन प्लीज मुझे थोड़ा वक्त दो। कितना वक्त हसीना जी? पता नहीं, लेकिन मुकम्मल तौर पर मुइन तस्लीम करने में थोड़ा वक्त तो लगेगा। वही तो पूछ रहा हूँ, कितना? ये जानना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं होना चाहिए। क्यों जानना जरूरी नहीं है हसीना जी? मुइन देखे, मैंने बड़ी मुश्किल से माना है कि आप मेरे मुइन है, लेकिन अभी प्लीज कोई गड़बड़ मत कीजिएगा। मैं क्या गड़बड़ कर रहा हूँ? मैं तो आपके करीब आना चाह रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी अभी, अभी दूर है। फिर आपके साथ बैठ के खाना तो खा सकता हूँ ना हसीना जी? लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? शोर हूँ आपका। अभी लोगों को तो नहीं पता ना, इतने सालों से तो जानते हैं लोग। वो तो मुइन को जानते हैं। और मैं मुइन ही हूँ हसीना जी। तुम वो मुइन तो नहीं हो ना जिसे लोग जानते हैं? अब लोगों को भी यकीन दिलाना होगा। उनके सामने बेहोश मत हो जाइएगा। सबको पहले इकट्ठा करूंगा फिर बेहोश होगा। तो तुम्हारा कुछ पता भी तो नहीं है? आप हर वक्त मुझे बेवकूफ क्यों समझती हैं हसीना जी? हिमाकत का कोई टाइम शेड्यूल नहीं है, किसी भी वक्त कर सकते हैं आप। मुझे लगता है आपने मुझे मुइन मान ही लिया है। वो कैसे? बेधड़क बेइज्जती कर रही हैं हसीना जी। आपके लिए चाय बना खिलाऊं? नहीं नहीं, खाना काफी है। बना लाता हूँ। हाँ, आपको भी यकीन हो जाएगा कि मैं मुइन ही हूँ। नहीं, वो बर्तन धोके तो पता चल जाएगा। हसीना जी, बर्तन मैंने धोए? तो पहले कौन धोता था? आप मुइन ही है ना? हाँ हाँ हाँ, मैं मुइन ही हूँ। मैं ही धोता था, मैं ही धोऊंगा। गुड। हसीना जी, आज मैं आपको बड़े मजे की बात बताऊंगा। जब मैं गायब हुआ था ना, तो क्या हुआ था? कहाँ? कमरे में। और कहाँ? मेरे कमरे में। आपके नहीं, हम दोनों के। हसीना जी, दोनों के नहीं, आप उस कमरे में मेरे साथ थोड़ी होंगे। क्यों? अभी नहीं। क्यों? बस कुछ वक्त आप मुझसे दूर ही रहेंगे। क्या? हाँ, अभी एक काम करो, खाना वाना बनाओ, बर्तन धो, अभी मुझे तुम वो मुइन नहीं लगते। ये क्या कह रही है हसीना जी? अच्छा प्लीज, अब बहस मत करो, ये बर्तन उठा ले। अरे कहाँ जा रही हसीना जी? अरे हसीना जी सुने तो। हसीना जी, अच्छा मैं ढंग की बातें करता रहूं और वो जली कटी सुनाती रहे, ये कोई नई बात है? अब नई बात है? फोन की नई बात है। पहले जली कटी सुनाती थी तो प्यार भी करती थी, अब तो सिर्फ सुनाती है। हसीना मुइन की कहानी, हसीना मुइन की कहानी। है, है, बेटा तू कहाँ जा रहा है? बस जा रहा हूँ मैं। कहाँ? कहीं भी। एक ही गाल हुई, कहीं भी। ये अपनी बेटी से पूछे। तू दामाद है, तू बता दे। ऐसा करें, मेरी पुरानी शक्ल का ना कोई बंदा ढूंढ के दो बोल पढ़ा दे। तो ढंग दी गाल करया कर पुत्र, की कर रहे हैं? अच्छा मैं ढंग की बातें करता रहूं और वो जली कटी सुनाती रहे, ये कोई नई बात है? अब नई बात है, फोन की नई बात है। पहले जली कटी सुनाती थी तो प्यार भी करती थी, अब तो सिर्फ सुनाती है। बड़ी मुश्किल दे नाल तेरा मुंह पसंद कीता है उन्हें। तो क्या है इस मुंह को? उन्हें इस मुंह दे नाल मेरे मुंह ना लगी। इस मुंह को कोई मुंह लगा ही नहीं रहा, इसीलिए ये मुंह लेके मैं जा रहा हूँ। अरे सोच ले बेटा, फिर किस मुंह से आएगा? आपके मुंह पे कह रहा हूँ, अब कभी नहीं आऊंगा। हसीना को बता दिए? वो सो रही है। फिर ठीक है, उसके जागने से पहले चला जा। वो रोक लेगी? अरे ऐसी बेवकूफी वो क्यों करेगी? उससे कहना मैंने खाना बना के रख लिया और बर्तन धो लिए। नहीं, फिर धो के जाना। क्यों, आप बर्तन भी नहीं धो सकती? नहीं। मेरे बाद क्या करेंगी आप? जब तू नहीं होगा तो देख लेंगे, अभी तो बर्तन धो के जा, वरना मैं जगा रही हूँ हसीना को। धो रहा हूँ। और सुन, जाते हुए मेरे कपड़े भी मशीन में डाल देना। सिलाई मशीन में? वॉशिंग मशीन में। अच्छा अच्छा, और बात सुन, मेरा कमरा भी बहुत गंदा हो रहा है, उसे भी साफ करता जाऊँ? हाँ। आपकी तबीयत कैसी है? क्यों, मैंने सोचा लगे हाथों इसको भी साफ करता जाऊँ। तू दामाद है, दामाद वाली तुझमें एक बात नहीं, लेकिन आप में सास वाली तमाम क्वालिटीज मौजूद है। ऐसा कर के किचन से शुरू कर। नहीं नहीं, मेरे कपड़ों से शुरू कर। जो आपने पहने हुए ना, ये भी तबीयत से मैले हो गए। हाँ, हुए तो हैं। पहले इन्हें ना फेंकूं वॉशिंग मशीन में आपके समेत? जरा तमीज ना गाल कर। कोई काम नहीं, बस मैं जा रहा हूँ। हसीना, हसीना बेटी, हाँ जाके उसको बताओ। आप नहीं रोका क्यों नहीं उसे? नहीं, मैं तो दे प्यारी फड़े सन, पर उन्हें मेरी गल मननी नहीं। तो मुझे जगा दिया होता। मैं पीर से कहती हूँ उसे गायब करके ना यहाँ हाजिर कर दे। उससे तो माफी रखे, पुत्र ट्राई कर लेने में क्या हरज है? अम्मी जी, जिस गुस्से से वो यहाँ से गया है ना, अब वो वापस नहीं आएगा। प्लीज कोई अच्छी बात करें। जब वो यहाँ था तो कह रही थी वो नहीं है, और अब खामखा ही परेशान हो रही। फिर से सबको फोन मिलाइए। दो बार मिला चुकी हूँ, अब तो पैकेज भी खत्म हो गया। यहाँ मेरा घर खत्म हो रहा है और आपको पैकेज की पड़ी हुई है? मैं तुझे कह रही थी कि इसी मुंह के साथ कबूल कर ले, देखा तूने कैसे सारा कुछ मुंह पे मार के चला गया। अम्मी जी, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, प्लीज इस तरह की बातें मत कीजिए। बात सुन, कोई कागज तो नहीं रख के गया घर में? वसीयत के? तलाक के? अम्मी जी, आप तो हद कर रही हैं। पागले, ऐसे मर्दों का कोई भरोसा नहीं। वो इन बिल्कुल ठीक कहते हैं, आपने उनके मुतालिक कभी भी कुछ अच्छा नहीं सोचा। मैं माँ हूँ। लेकिन सोचती तो आप सास बनकर ही है ना। तू भी यही कहेंगी? अगर मुई नहीं आए तो मैं क्या करूँगी? आखिर को तो उसने आना ही है ना, आखिर यहाँ से कहाँ जा सकता है वो। लेकिन मुइन कभी भी इस तरह से घर छोड़कर नहीं गए। तो फिक्र ना कर पुत्र, आ जाएगा। ये ले, ले आया हूँ। मुइन कहाँ चले गए थे आप? इस घर में रहने का कोई फायदा नहीं,
जहाँ कबूलियत ही ना हो। आई एम सॉरी मुइन, अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अब जिस शक्ल में मुझे कबूल है। लेकिन मुइन मुझे इस शक्ल में कबूल नहीं। क्या? इस पीर के साथ मैं वापस इसलिए आया हूँ कि वापस मुझे अपनी असली शक्ल में ले आएगा। खुदा के लिए मुइन, पहले क्या कम हुआ है? मुझे इस शख्स पे जरा सा भी एतबार नहीं है। फिक्र न करें, ये अभी अपनी हालत में आएगा। तो फिर पहले क्या बीमारी पड़ी थी? कभी इल्म उल्टा पड़ जाता है। तो आप कैसे सीधा पढ़ोगे? हसीना जी, अपने असली चेहरे के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। पीर साहब, आप अमल शुरू करें। मुइन, रोको मत मुझे। अरे जिन जरा पीर ही न रहीं तेरी दरारा दरारा मुरे चिरी मरा दरारा मरा चिरी। अरे अब मेरे असली मुइन को वापस लेकर आइए। अच्छा, मरे चिरी मरा रारा मरे चिरी मरा रारा मरे चिरी। अरे कोई नहीं आया, दोबारा पढ़ो मंत्र। अच्छा, पता नहीं आज मंत्र काम क्यों नहीं कर रहा है। मरे चिर्री मरा रा 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 मरे रिल्शी मरा रा 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 मरे चिर्री शुभ। अरे नहीं आया, अगर आपकी बार नहीं आया ना तो मैं आपकी गर्दन काट दूंगी। अब ये नहीं आएगा, अब ये अगली किस्त में आएगा। अरे जाली पीर, अमित पकड़ो मार इसे। अरे तो आप किस लिए आए हैं? हाँ तो गया हूँ, मगर मेरे साथ निभा जरा मुश्किल होगा आपका। आप मेरे मुइन नहीं हो सकते। यकीन करें, मैं ही मुइन हूँ। हसीना।